क्या आपको पता है म्यांमार की जनसंख्या कितनी है और वहाँ पर कौन से धर्म का बोलबाला है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यह देश एशिया के दक्षिण में बसा हुआ है जिसका पुराना नाम वर्मा था। इसे वर्मा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्मी नाम की जाति पाई जाती थी, इसीलिए इस देश का नाम वर्मा था। लेकिन कुछ ही साल पहले इसका नाम वर्मा से हटाकर म्यांमार कर दिया गया। इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। इस देश की राजभाषा वर्मी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर यंगगुना है, जिसे पहले रंगून के नाम से भी जाना जाता था। म्यांमार क्षेत्रफल के लिहाजे से दुनिया का 39वां सबसे बड़ा देश है। अगर म्यांमार की पॉपुलेशन की बात करें तो 2018 में म्यांमार की पॉपुलेशन 5,37,00,000 थी। अगर बात करें म्यांमार की इस समय की पॉपुलेशन के बारे में तो म्यांमार की पॉपुलेशन इस समय 5,44,09,800 के करीब है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से म्यांमार को 25वां सबसे बड़ा देश बनाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश को ब्रिटिश राज से 14 जनवरी 1948 में आजादी मिली थी। अगर बात करें म्यांमार में धर्म की तो यहाँ पर सबसे अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो कि कुल आबादी में से 87.9% बौद्ध धर्म को मानते हैं, और वहीं क्रिश्चियन धर्म को 6.2% लोग मानते हैं। और वहीं इस्लाम की बात करें तो यहाँ पर इस्लाम के लोग 4.3% हैं, और वहीं 0.8% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। और अगर बात करें हिंदू धर्म की तो म्यांमार में हिंदू धर्म 0.5% लोग मानते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।